हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हर रोज की तरह मैं आज भी नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग टाइमलेस है गाइस। जब भी जिस भी दिन आपके सामने आ रहा है आप देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेना है वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं है, पेमेंट करके पर्सनल रीडिंग बुक करना होता है। तो जिनको भी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, स्पेशली जिनको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, जो लोग बोल रहे हो कि मैम हर रोज़ की एनर्जी रेजोनेट, पास्ट की एनर्जी तो रेजोनेट होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिखते, ठीक है, तो डेफिनेटली आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। आई होप आपको रिजल्ट दिखेंगे, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग जो होता है, नेम के ऊपर प्रेडिक्शन होते हैं और ज़्यादातर एक्यूरेट होते हैं। ओके, तो आप पर्सनल रीडिंग हायर कर सकते हैं। अगर आपको डिले हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, तो आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की कारण सिचुएशन, फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन गाइडेंस। चलिए प्लीज एंसर गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आने वाले टाइम में देखेंगे, स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में है, उनके पर्सन की कारंट सिचुएशन कैसा है, करेंटली क्या कुछ फील कर रहे हैं, उनके दिल की और दिमाग की एनर्जी कैसा है, प्लीज एंजल गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की कारंट सिचुएशन, ऑर्डिनरीनेस, अवेयरनेस, द लवर्स, पॉलिटिक्स, टोटैलिटी, आइसोलेशन, बॉटम द डेक है, कंडीशनिंग एंड सक्सेस। ओके, होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। वन सेकंड, मैं चेक कर लेती हूँ। यस, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। ओके, साइन यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है। ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे साइन निकल कर आए हैं। काम की वजह से आपके पर्सन जो है कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लगातार हार्डवर्क कर रहे हैं आज के दिन में। स्पेशली आज के दिन में काम के लिए कहीं दूर जा सकते हैं, काम कर रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है। ओके, फोकस्ड है अपने काम में। ओके, और जो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि काम की वजह से, करियर की वजह से, पैसों की वजह से उनके लाइफ में फाइट हो रहे हैं, इम्बैलेंस सिचुएशन है, झगड़े हो रहे हैं। लव लाइफ को लेके आपके पर्सन परेशान है, आइसोलेटेड है, अकेले में है। आप दोनों का अगर ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेशन है, ओके, किसी टाइप के आपके पर्सन ने पास्ट में आपको धोखा दिया, आपका दिल दुखाया, ओके, और यहाँ पर हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है बिल्कुल। ओके, मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक बंदा जो है रो रहे हैं, परेशान है, उनकी आंखों से खून की आंसू निकाल रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है। तो लव लाइफ को लेके वो काफ़ी परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ वो पॉलिटिक्स की एनर्जी में है कि अंदर से बहुत दुखी है लेकिन बाहर से वो बहुत खुश दिखा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ कोई ना कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है उनका सिचुएशन, ठीक है। उनके लाइफ में कोई ना कोई डेविल है, एनिमी है उनका हिडन, जो उनको परेशानी दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो इस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहे हैं। साथ ही साथ जो ये जो टाइम है, इन पीरियड में उनको बहुत नॉलेज भी रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पर बिल्कुल हैप्पी नहीं है, वहाँ पर भी फाइट की एनर्जी है, ठीक है। लगातार यहाँ पर फाइट हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन परेशान है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर आपके पर्सन खुद के लिए और लव लाइफ के लिए स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं। अवेयरनेस का कार्ड है, अवेयरनेस मतलब
पता है, उनको नॉलेज है, ठीक है, ज्ञान है, तो जिसकी वजह से वो यहाँ पर स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रहा है उनका, ठीक है। तो किसी कर्मा में वो अटके हुए हैं, स्टक है, कंडीशनिंग की एनर्जी है। यहाँ पर देखिए एक शेर है जो कि बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उनके आसपास की एनर्जी उनको बांध के रखा है, ठीक है। तो वो चाहते हुए भी अपनी पावर में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। किसी ना किसी डेविल एनर्जी में वो अटके हुए हैं, यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुझे, लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए सक्सेस लेके आएंगे, ठीक है। जो भी कार्मिक बंधन में वो अटके हुए हैं, जहाँ पर भी फाइट हो रहा है, वो दुखी है, वहाँ से बहुत जल्द निकलने वाले हैं सक्सेसफुली, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो शेर है वो यहाँ पर निकल रहे हैं और उनके ऊपर एक बंदा बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की मोड में है, ठीक है। तो ये सक्सेस का कार्ड यही दिखा रहे हैं कि जिन भी सिचुएशन में वो परेशान है, अटके हुए हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, वहाँ से उनको नॉलेज ऑलरेडी मिल चुका है और वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके ऊपर। हालांकि उन्होंने एक्टिंग कर रहे हैं कि वो बहुत खुश है, लेकिन अंदर से उनको सारे सब कुछ पता है, सबकी असलियत उनके सामने आ चुके हैं। और साथ ही साथ आपके लिए प्यार है। क्यों प्यार है आपके लिए? क्योंकि उनको भी पता है आपकी असलियत, मतलब आप सच्चे दिल से उनको चाहा, उनके ऊपर ट्रस्ट रखा, ठीक है, अनकंडीशनली लाभ दिया, फिर भी उन्होंने आपको नहीं पहचाना, ठीक है। इस टाइम पे उनको नॉलेज है कि आपका प्यार और दूसरे का प्यार, या फिर जो भी थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपके साथ चीट किया था, आपको धोखा दिया था, उनकी असलियत उनके सामने है और आपकी असलियत उनके सामने है। तो दोनों को वो कंपेयर कर पा रहे हैं कि कौन उनके लिए सही है, इसीलिए वो इन जो सिचुएशन में बंधे हुए थे वहाँ से वो सक्सेसफुली बाहर आ रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं। हालांकि कारण सिचुएशन में पोस्टपोनमेंट है, सिचुएशन अटक चुके हैं, लेकिन आने वाला टाइम यहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे। वो खुद को हील कर रहे हैं आज के दिन में। हेल्थ इशू हो सकता है किसी का, आपके या फिर आपके पर्सन के हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से वो खुद को हील करे, या तो फिर मेंटल स्टैग्नेंट सिचुएशन है, मेंटली वो नेगेटिविटी में है, अपसेट है, जिसके लिए रिकवरी की ज़रूरत है, इसीलिए वो रिकवरी कर रहे, हील कर रहे खुद को, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है। नंबर सिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले 6 डेज टू 6 वीक के अंदर। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का रियूनियन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यही आपके पर्सन की कारण सिचुएशन एंड आपके लिए फीलिंग्स है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इस रिश्ते में। प्लीज एंजल गाइड करें नेक्स्ट क्या होगा इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स की तरफ। उनके लव पार्टनर नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, डिवाइन की तरफ से क्या जजमेंट होगा। प्लीज एंजल गाइड करें नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं इस रिश्ते में। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं, नाइन ऑफ सोर्स। तो आज के दिन में आप या फिर आपके पर्सन की स्लीवलेस नाइट जा सकता है, रात को आप परेशान रह सकते हैं। चैरियट का कार्ड है, आपके पर्सन वापस आ सकते हैं, या तो फिर कोई पावरफुल डिसीजन लेने की एनर्जी है। यस, बहुत सारे लोगों के पर्सन वापस आएंगे चैरियट के साथ। यहाँ पर एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मूवमेंट है, क्विक एनर्जी है, ठीक है, फायरी एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके तरफ वापस आ रहे हैं, या तो फिर वापस आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। ओके, कम्युनिकेशन रिसीव होगा, स्पेशली एट ऑफ वैंड्स कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, कन्वर्सेशन को दिखाते हैं। तो डेफिनेटली आपके तरफ बैलेंस आ रहा है, सिक्स ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंस विद द फोर ऑफ वैंस। तो बॉटम की ये दो कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव है। एट ऑफ कप्स, आपके पर्सन किसी सिचुएशन से पूरी तरीके से मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, कैसे वो इन सारी ऑब्स्टिकल से, परेशानी से इमोशनली बाहर जा सके। यहाँ पर देखिए एक गेट है, एक डोर है, ओपन हुए है और ये लड़की जो है बाहर जाने की तैयारी में है, जा रहे हैं बाहर, एक रास्ता उनको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत इमोशनल है यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ पर आपके तरफ स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन में हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से खिल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अपनी पावर में, पोजीशन में हैं, अपनी पर्सनालिटी में आप चेंज लेके आए हैं, आपका नॉलेज सिस्टम बढ़ा है। तो जो लोग स्पेशली ऐसी एनर्जी में है, पॉजिटिव वाइब्रेशन में है,
आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, अगर उन्होंने मूव ऑन कर चुके थे तो डेफिनेटली वो वापस आएंगे, ठीक है। फोर ऑफ वैंस की एनर्जी है, सिर्फ वापस नहीं आएंगे, यहाँ पर कमिटमेंट दे सकते हैं, शादी के बारे में बातचीत हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ से सेपरेशन में हो, ब्रेकअप सिचुएशन है, तो आपका हस्बैंड वाइफ वापस आ सकते हैं, आपके बच्चे वापस आ सकते हैं, आपके सास ससुर आपको लेने आ सकते हैं, उनके साथ आपका गेट टुगेदर हो सकता है। देखिए फैमिली मेम्बर सारे एक साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पर कैंडल है और केक्स है, स्पेशली 25th को हो सकता है कि कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स यहाँ पर रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि केक्स की एनर्जी है, फैमिली टुगेदर की एनर्जी है, बच्चे की एनर्जी है, बूढ़े की एनर्जी है, हर कोई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कार्ड जो है फीमेल वर्सन है, यहाँ पर कोई मेल नहीं रहते हैं, सिर्फ फीमेल की एनर्जी रहती है, इसलिए मेल नहीं है यहाँ पर। तो जो भी हो, यहाँ पर देखिए चैरियट का कार्ड के साथ यहाँ पर 8 of Wands जो कि मूवमेंट को दिखा रहे, दोनों कार्ड्स में आपको दिख रहा है कि ये जो लड़कियाँ हैं ये लोग उड़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइकिल में आ रहे हैं ये जो लड़की है, तो डेफिनेटली दोनों कार्ड में आपको मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग को इवनिंग के टाइम में कॉल मैसेज आ सकता है, कुछ लोग को डे टाइम में कॉल मैसेज आ सकता है। नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ज़्यादातर लोगों के लिए 1 week के अंदर कॉल मैसेजेस आने की पूरा चांसेस है, ठीक है। क्योंकि 8 of Wands के साथ चैरियट का कार्ड, जो कि दोनों ही कार्ड मूवमेंट को दिखा रहे हैं, कम्युनिकेशन को दिखा रहे हैं, कुछ ऑफर गिफ्ट ये सारे भी आपको रिसीव हो सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये है नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है इस टाइम पे, आपको कौन सी गाइडेंस के ऊपर फॉलो करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं, आज यहाँ से गाइडेंस लेते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे क्या करने की जरूरत है, उनके तरफ क्या आ रहे हैं पॉजिटिव चेंजेस, क्या करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव चेंजेस क्या आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के तरफ, पॉजिटिव चेंज क्या आ रहे हैं। देखिए कार्ड्स, आप आपके पर्सन रोज लेके बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पर लाभ की एनर्जी है। अगर ड्रीम में आपको स्वान दिख रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हो आपको स्वान की जोड़े दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव साइन है। माई गॉड, बहुत सारे लोग का यहाँ पर यूनियन की पॉसिबिलिटी है पार्क की एनर्जी में, ठीक है। पार्क, नेचर के करीब आप जा सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, यूनियन की वाइब्रेशन है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पर्सन रोज लेके बैठे, माय गॉड, और क्या कार्ड्स लूँ। देखिए आपके सामने ही कार्ड सफल करती हूँ, निकलती हूँ, आप कार्ड्स देखिए, यहाँ पर मैसेजेस की एनर्जी है दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर पोस्ट वुमेन की एनर्जी है, साथ ही साथ आपके पर्सन आपके इंतजार में है, रोज लेके बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर लाभ की वाइब्रेशन है, ओके, और यहाँ पर आए हैं पार्क की एनर्जी, तो आप लोग पार्क में टाइम स्पेंड कर सकते हो, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन पॉसिबल है, कॉल टेक्स्ट मैसेज आने की पॉसिबिलिटी है, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से वो चीज़ आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर फैमिली की एनर्जी है, ठीक है, तो फैमिली लाइफ में भी आपको हैप्पीनेस दिखेगा, ठीक है। आपके बच्चे वापस आ सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ वापस आ सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। तो गाइडेंस के लिए मैंने निकाला था, तो यहाँ से गाइडेंस नहीं, पॉजिटिव चेंजेस आपके तरफ निकल कर आए हैं। तो चलिए यहाँ से गाइडेंस देखते हैं, ठीक है। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है। डिवाइन की तरफ से आपके लिए बुलावा आ रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइम पे आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, लेकिन आप अपनी सिचुएशन में इतना परेशान हो कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमेशा, आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लॉसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, या तो फिर ब्रेकअप सिचुएशन है, कोई ना कोई सैड एनर्जी है जिसकी वजह से आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। देखिए आपके घर में आग लगे हुए है, मतलब आप परेशान हो, आपकी ज़िंदगी परेशान है, लेकिन यहाँ पर जो है आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हो कि कोई आपको दरवाजे पर नॉक कर रहा है, बुला रहा है, कुछ साइन एंड सिंक्रोनिसिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नोटिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़नी है, आपका ये जो बुरा वक्त है वो टल जाएगा, आपको अननोन पैथ्स पे जाने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपको लग रहा है कि ये रास्ते पे हम जाते हैं तो क्या होगा, नहीं होगा, नहीं पता, तो आपको एंजल बोल रहे हैं अननोन रास्ते पे जाओ, या तो आपको नॉलेज मिलेगा या तो आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगा, वही रास्ता आपके लिए पॉजिटिव होगा। दी क्वीन ऑफ रोजेस, तो आपके पर्सन आपके इंतजार में है, रोज लेके अभी अभी आया था, उस डेक से इस डेक से आया है, वहाँ से
मेल की एनर्जी आए थे, यहाँ से फीमेल की एनर्जी है। तो आपके पर्सन रोज लेके आपके इंतजार में है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी होते हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्यार है। इन सारी गाइडेंस को आप फॉलो करो, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो कुछ लोग जो लोग बोल रहे हो कि रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं लेके आ रहे हो, ठीक है। तो आप हर रोज रीडिंग तो देख रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो, आप खुद को स्टक कर लिया है। आपको लग रहा है कि मैं देखूंगी एनर्जी, रीडिंग देखूंगी तो मुझे रिजल्ट दिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लेकर आओगे, तब तक आपको रियलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम काम करते हैं तो हमें पेमेंट मिलता है, सेम अगर आप काम करोगे अपनी लाइफ में तभी आपको दिखेगा, ठीक है। आपके लाइफ में बुरा वक्त आते हैं, चेंजेस आते हैं, ताकि आप वहाँ से कुछ सीख सको और अच्छा बन के निखर सको, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आपको करना है, आपका लर्निंग पीरियड है, वहाँ से आपको सीखना है, स्ट्रांग बनना है, आगे बढ़नी है, तब जाके आपको रिजल्ट दिखेगी, ठीक है। ये 100% सही होता है। किसी भी हीलिंग, किसी भी जादू टोना मंत्र कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप सही से अपने आप को सही डायरेक्शन नहीं देते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ ग्रोथ करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो आपको 100% रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। बाकी जो भी प्रोसेसेस है वो तो फोर्सफुली किया जाता है, ठीक है। तो वैसा अगर होता भी है तो ज़्यादा टाइम टिकते नहीं है वो, ओके। वो अगर आप किसी भी तरीके से उनको अपनाते हैं तो फिर से गायब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले तो सेल्फ लव की एनर्जी में आनी है, सेल्फ ग्रोथ करनी है, ओके, और इस सिचुएशन से आपको लर्न करना है, नॉलेज लेनी है। तो गाइस ये था आज के दिन में नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग एंड गाइडेंस, होप आपको पसंद आए हैं। आने वाले टाइम में अगर रिजल्ट दिख जाते हैं और जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रहा है, डेफिनेटली आप कमेंट करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक किया करें। फिलहाल टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।